कांग्रेस के 3 विधायकों को भारी मात्रा में कैश के साथ बंगाल में पकड़ा गया था, जिसके बाद झारखंड की सियासत में बेहद हलचल देखने को मिल रही थी। लगभग कई महीनों से तीनों विधायक कोलकाता में हैं और वहां से कोलकाता हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन शासत्र उन्हें वहां से निकलने की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन आज उन्हें बड़ी राहत मिली है कोलकाता हाईकोर्ट से। तीनों विधायक यानी कि इरफान अंसारी, नमन विक्षल कुंगारी और राजेश कच्छप देर शाम राजधानी रांची पहुंचेंगे, चूंकि 11 नवंबर को विशेष विधानसभा सत्र आहूत की गई है। आपको सीधा सुनाते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है। के 3 विधायकों को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सूचना मिल रही है कि देर शाम वो लोग आज राजधानी रांची पहुंचेंगे, चूंकि कल विशेष विधानसभा सत्र है और वो लोग शामिल हुए। नहीं, स्वाभाविक तौर पर माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता ने अगर राहत दी है तो ये न्यायालय का एक सराहनीय पहल है, कदम है, और हमें लगता है कि वो तीनों जनप्रतिनिधि हैं। एक जनप्रतिनिधि के रूप में बहुत दिनों के बाद वो अपने क्षेत्र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच वो जाएंगे, जनता का सुख दर्द दुख बांटेंगे, जनता उनके साथ सम्मिलित होगी, तो हमें लगता है कि एक अच्छी पहल है। लेकिन लगातार वो लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस के विधायक ही उन्हें फंसाए, यानी कि अनूप सिंह का उन्होंने नाम लिया था, क्योंकि अनूप सिंह ने 0 FIR किया था गोड़ा थाना में। नहीं, देखिए, अब कौन किसके ऊपर आरोप लगाता है ये बात नहीं है। मामला है कि पार्टी ने प्रथम दृष्टया संज्ञान लेते हुए उन तीनों विधायकों को पार्टी से निलंबित किया है, तो अब वो आ रहे हैं, अपना पक्ष पार्टी को रखेंगे, पार्टी नेतृत्व के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे, पार्टी नेतृत्व उनके जो उनका पक्ष है उसको सुनेगी, उसके उपरांत जो है पार्टी नेतृत्व उस पर विचार करेगी। अब कोई किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगाए तो आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। तो इस वक्त आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा को, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि उच्च न्यायालय की ओर से तीनों विधायकों को बड़ी राहत मिली है। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि तीनों जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि के रूप में वो लोग अपने क्षेत्र काफ़ी समय से नहीं गए हैं, जनता के बीच नहीं गए हैं, जनता की समस्या नहीं सुने हैं, तो इस बार आएंगे तो जनता के बीच जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि जो आरोप तीनों पर लगाया जा रहा था कि भारी मात्रा में कैश के साथ उनको कोलकाता में पकड़ा गया था, जिसको लेकर यहां पर वो लोग आएंगे तो तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी, अपने पक्ष वो लोग रखेंगे, क्योंकि जब ये बातें निकलकर सामने आई थी तभी पार्टी की ओर से तीनों विधायकों को निलंबित कर दिया गया था, तो अब जब वो यहां पर आएंगे पार्टी के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे तभी पार्टी की ओर से उचित निर्णय लिया जाएगा। अपने कैमरा पर्सन राजा के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 स्कोप रांची।